हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्मीर माधव व्लॉग्स। तो दिल्ली में लजीज खाने की तलाश करते करते हम लोग पहुंच गए हैं कैनॉट प्लेस, और कैनॉट प्लेस में हमें दिखा आंध्रा कैंटीन। तो ये जगह जानी जाती है अपने ऑथेंटिक फूड के लिए। अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ का एम्बियंस कैसा है और टेस्ट कैसा है। ये इनकी एंट्रेंस है। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी एस्थेटिक था, और जो अशोक रोड पे आंध्रा कैंटीन है, काफ़ी पुराना और काफ़ी पॉपुलर, ये उसी की एक ब्रांच है। इनके पास सिटिंग भी काफ़ी अवेलेबल थी। ये एक नीचे पहले ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर था। हम लोग दिल्ली में काफ़ी परेशान रहते हैं कि अगर हमें 10 से 15 लोगों का कोई गेट टुगेदर या कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है तो उसके लिए हमें कोई स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि बैंक्वेट्स भी 150 से 200 तक की कैपेसिटी के होते हैं। बट आंध्रा भवन में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा इनका हॉल है, वहाँ पर आप 10 से 15 लोगों का गेट टुगेदर कर सकते हैं। आप इनके यहाँ पे ये यूटेंसिल्स देखो कितने प्यारे हैं, एकदम एस्थेटिक लुक है। और यहाँ का इंटीरियर तो बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग अपना गेट टुगेदर करते हो तो आपके गेस्ट्स को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये आपने देख लिया होगा, यहाँ पे आप 15 से 20 तक लोग बैठ सकते हैं बहुत आराम से। तो आप कोई छोटा मोटा फैमिली डिनर, कोई गेट टुगेदर, कोई बर्थडे पार्टी यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अब अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 40 से 50 लोग तक हैं, तो इनके पास एक गार्डन थीम बैंक्वेट है, आप लोग ये भी बुक कर सकते हो। अंदर चल के देखते हैं। थोड़ा सा यूनिक थीम है, ये पूरा गार्डन बेस्ड थीम है। आपको ऐसा लगेगा कि गार्डन में पार्टी हो रही है, बट हो इंडोर। तो ये काफी प्यारा है। अगर 40 से 50 लोगों तक की पार्टी है तो आप यहाँ पे कंफर्टेबली कर सकते हो, और आपके गेस्ट्स को भी मजा आएगा कि चलो कुछ तो अलग सी जगह मिली, क्योंकि बैंक्वेट्स वगैरह तो बहुत है दिल्ली में, बट आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ आंध्रा कैंटीन के मैनेजर ने रिकमेंड किया कि चिकन फ्राई और प्रॉन 65, ये आप हमारा टेस्ट करो। तो ये दो चीज़ें हमने ऑर्डर कर दी हैं। अभी और देखते हैं, इनकी बिरयानी और थाली वगैरह भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या और आ सकता है। तो हमने इनकी सारी जो हमें यहाँ के मैनेजर ने बताई कि इनकी जो मस्ट ट्राई आइटम्स हैं वो मंगवा लिए हैं। तो सबसे पहली है ये चिकन दम बिरयानी, इसके साथ मिला है हमें थोड़ा सा सैलेड जिसमें है अनियंस एंड लेमन, ये है इसका सालन और ये है दही। तो इसे टेस्ट करते हैं। इसमें कुछ फ्राइड अनियंस डले हुए हैं और ये एक हाफ एग है, इसको टेस्ट करते हैं। सालन के साथ टेस्ट करते हैं। आप लोग पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बिरयानी को आप लोग सालन के साथ खाना ज्यादा पसंद करते हो, दही के साथ या ऐसी। तो इनकी बिरयानी काफी टेस्टी है, सालन भी स्पाइसी है बट काफी टेस्टी है। जो फ्राइड अनियंस डले हुए इनका अच्छा खासा टेस्ट आ रहा है। इनकी बिरयानी बहुत ही अच्छी है, बहुत फ्लेवरफुल है, इसमें अलग अलग स्पाइसेस का ब्लेंड है जो आप फील कर सकते हो, और बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है। सालन भी इनका बहुत अच्छा है, और सालन के साथ मिला के बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो मस्ट ट्राई। ये है इनका चिकन फ्राई, ये आंध्रा कैंटीन की स्पेशलिटी है। तो एक बार चिकन फ्राई को टेस्ट करते हैं। ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है,
इसके ऊपर मसाला वसाला देखने में तो स्पाइसी लग रहा है, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा। ये अनियन और लेमन है, इसे टेस्ट करते हैं। स्पाइसी है बट मुझे तो स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो ये अच्छा है। जो स्पाइसी चिकन लवर है उनको बहुत पसंद आएगा। चिकन काफ़ी सॉफ्ट है, टेंडर्ड है, तो काफ़ी टेस्टी है। आप लोग अगर आओ तो इनका चिकन फ्राई ट्राई कर सकते हो। अगेन बहुत ही अच्छी आइटम है और बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है इसका भी। तो हाँ ऑफकोर्स बहुत अच्छी स्पाइसी है, तो एक अच्छा स्टार्टर आइटम है। तो ये है इनकी प्रॉन 65, ये भी एक रिकमेंडेड आइटम है। इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसी है। काफ़ी टेस्टी है, प्रॉन बहुत सॉफ्ट है और मसाले वसाले इसके ऊपर बहुत ही अच्छे डले हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है, बिरयानी और चिकन 65 इन सबसे ज़्यादा टेस्टी है, काफ़ी फ्लेवरफुल है। अगर आप आओ तो ये ज़रूर ऑर्डर करना, ये तो मैं भी रिकमेंड करूँगी। तो ये है इनकी बिजनेस आंध्रा थाली, इसमें आप देख सकते हो कि कितनी सारी आइटम्स हैं, तो एक बार बता दीजिए उसमें क्या क्या है। इसमें है दाल, 3 वेजिटेबल, सांभर, रसम, साउथ कड़ी, कर्ड राइस, 3 पीस पूरी एंड स्वीट। अरे बहुत ही एक्सक्विजिट थाली है। यहाँ पे हमारे पास दाल है, गोभी 65 है, वेज कोरमा है, देन आलू मटर की सब्ज़ी है, दिस इज साउथ कड़ी, और यहाँ पे हमारे पास राइस है, कर्ड है, सांभर है, रसम है एंड पापड़ एंड पूरी। ये है इमली राइस। तो गोभी 65 काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम है, टेस्टी है, कुछ डिफरेंट है। जैसे गोभी की सब्ज़ी तो हम लोग खाते रहते हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे भी जैसे गोभी वगैरह नहीं खाते, मैं भी गोभी नहीं खाती, बट गोभी 65 की फॉर्म में है, थोड़ा इस टाइप से है ना, क्रंची है, मसालेदार है, तो बहुत टेस्टी लग रही है। और गोभी 65 हम लोग खा रहे हैं, वैसे हम लोग गोभी नहीं खाते। अब इनकी इस थाली में से जो हमें काफ़ी स्पेशल आइटम हमें बोली गई है वो है इनका सांभर और रसम। और वैसे भी आंध्रा कैंटीन आए हैं तो सांभर और रसम तो टेस्ट करना पड़ता है, तो पहले इनका सांभर टेस्ट करते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है बट काफ़ी टेस्टी है। ऐसा नहीं कि स्पाइसी नहीं है बट मसालेदार है, काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। आपको थोड़ी सी स्वीटनेस भी टेस्ट में आ रही है बट साथ में आपको सारी स्पाइसेस भी फील हो रही है, तो बहुत ही अच्छा ब्लेंड बना हुआ है। तो अब टेस्ट करते हैं इनके रसम राइस, क्योंकि कहते हैं रसम का कॉम्बिनेशन तो राइस के साथ ही जाता है। काफ़ी टेस्टी है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनका रसम इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा राइस के साथ। इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी टैंगी है और राइस के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर जा रहा है इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग चाहें तो अलग से भी रसम राइस ले सकते हो, बट अगर आप ये थाली लोगे ना तो इसमें आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। इनकी काफ़ी सारी आइटम्स आप टेस्ट कर सकते हो इस थाली के थ्रू। ये है बिजनेस आंध्रा थाली। तो अब हम टेस्ट करते हैं इनकी साउथ कड़ी पूरी के साथ। ये जो हमने यूजुअली नॉर्थ इंडिया में कड़ी खाई हुई होती है उससे काफ़ी डिफरेंट है। हम लोग जैसे पकौड़ी कड़ी खाते हैं, इसमें पकौड़ीज नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी यूनिक टेस्ट है और आपको एक बार तो ये डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये यहाँ पे इनके है इमली राइस, तो एक बार इनकी इमली राइस टेस्ट। तो इमली राइस इनके काफ़ी अच्छे हैं, इमली की हल्की हल्की मिठास आ रही है बट राइस के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मीठे राइस हैं तो अच्छे ना लगे, काफ़ी टेस्टी लग रहा है इमली के साथ। बहुत अच्छे राइस हैं, आपको इसमें थोड़ा थोड़ा इमली का फ्लेवर फील होगा और वो चावलों के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। ये है इनका वेज कोरमा, इसे ट्राई करते हैं। ये एक काफ़ी होमली सी सब्जी है बट इसमें जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना कोरमा के, अगर ये वेज कोरमा है तो इसमें वो कोरमा वाला फ्लेवर आ रहा है, काफ़ी टेस्टी है। सारी वेजीज भी इसमें बहुत सारी हैं तो एक हेल्दी चॉइस भी है। बहुत अच्छा कोरमा का फ्लेवर है इसके अंदर
इसमें जैसे आंध्रा की स्पेशलिटी होती है करी पत्ते का टेस्ट, वो बहुत अच्छे से आ रहा है। आप इसमें राई फील कर सकते हैं, तो राई है इसमें, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग स्पाइसेस है, वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और इसका पूरी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी दाल टेस्ट करते हैं। तो ये दाल पालक बनी हुई है, बहुत काफ़ी फ्लेवरफुल है। जैसे दाल हम लोग छोड़ देते हैं खाने में, बट ये काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और इसमें घी भी बहुत अबंडेंस में घी भी है, देसी घी है इसके अंदर, तो काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी हेल्दी चॉइस है। ये है इनकी आलू मटर की सब्जी, ये टेस्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल सब्जी है, मसालेदार भी है, फ्लेवरफुल भी है और टेस्टी भी है, कोई ऐसा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर दें, काफ़ी सिंपल। कभी कभी चीज़ की ना सिंपलिसिटी भी बहुत अच्छी लगती है, तो अच्छी सिंपल घर जैसी सब्जी है, यू कैन ट्राई दिस। तो ये पूरी इनकी आंध्रा थाली थी, काफ़ी टेस्टी थी। अगर आप लोग आओ तो ये बिजनेस आंध्रा थाली आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इनका प्रॉन 65, चिकन फ्राई और चिकन दम बिरयानी, ये चारों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग चारों चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, सिटिंग की भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर। मैंने आपको यहाँ के दोनों बैंक्वेट्स भी दिखा दिए, जिसकी 10-15 की कैपेसिटी है और एक की 40-50 की कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पे लंच डिनर के साथ साथ पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आंध्रा कैंटीन ये कैनॉट प्लेस में है, मैं इसका पूरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो हमें ये जगह काफ़ी पसंद आई, यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, एस्थेटिक था, और टेस्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया, काफ़ी टेस्टी था सारा खाना इनका, और रेट्स भी इनके काफ़ी एवरेज थे। ये नहीं कि कैनॉट प्लेस में है तो बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो, ऐसा भी नहीं था, एवरेज रेट से और एम्बियंस वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो अगर आपको कैनॉट प्लेस आ रहे हो तो आप आंध्रा कैंटीन ज़रूर विज़िट करना, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय।